हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर अ 10 पीपीएम 20 पीपीएम 30 पीपीएम 40 पीपीएम एंड 50 पीपीएम सॉल्यूशन देखिए आज जो मैं आपको सॉल्यूशन बनाना जो सिखाऊंगा वो एक्चुअली जो प्रैक्टिस है वो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है मतलब कि इंडस्ट्री में अगर अपन किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल ए की बात करूँ या फिर कोई स्टैंडर्ड बनाना है मेरे को रेफरेंस के हिसाब से तो उस हिसाब से मैं कितना जो है पी का सोल्यूशन कैसे बनाऊँगा मतलब इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस होती है इट्स ए शॉर्ट एंड ईजी ट्रिक ओके वो जो ट्रिक है अगर आप उसको कैलकुलेट करके देखोगे तो एज पर नोम्स के हिसाब से ही चलेगी ठीक है तो उस हिसाब से मैं आपको एकदम फॉर्मूले uh, so, से बता देता हूँ कि किस हिसाब से वो जो है वो इजी जो मेथड है वो कैसे काम करेगा तो सबसे पहले अपन जैसा कि जानते हैं पीपीएम का मतलब क्या है पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इंटू टेंडेस टू पावर सिक्स ओके तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है पार्ट्स पर मिलियन मतलब मिलियंस व भाग उसका सॉल्यूट का इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन जिसको कि अपन इंटू टेंडेस टू पावर सिक्स के सिक्स के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं तो इसको अगर अपन सॉल्व करने जाएंगे, जैसे कि मेरे को थाउजेंड पी का सोल्यूशन बनाना है तो थाउजेंड पी पी एम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट यही अपन को डिटरमाइन करना है एक्स रख देंगे सॉल्यूशन अपन को हंड्रेड एम के लिए बनाना है इन टू पावर सिक्स तो इसको अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन ग्राम ऑफ सॉल्यूट ओके इट मीन्स वॉट कि ये जो सॉल्यूशन है अपन को जीरो पॉइंट वन ग्राम जो है लेना पड़ेगा इन हंड्रेड एम ऑफ ऑफ वाटर या वॉट एवर द सॉल्यूशन जिसमें आप पीपीएम सॉल्यूशन बना रहे हैं ओके okay, इसका मतलब ये क्या है कि जीरो पॉइंट वन ग्राम मीन्स मैं बोल सकता हूँ थाउजेंड एम ओके इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है ठीक है तो सीधा सा मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 100 एम ऑफ एनालाइट या सैंपल इन हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर टू मेक थाउजेंड पी पी एम सॉल्यूशन ओके ये जो तो इंडस्ट्री में अपन जो प्रैक्टिस करते हैं वो इस हिसाब से ही करते हैं क्या करते हैं कि मिनिमम अपन अगर किसी सॉल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले अपन थाउजेंड पी पी एम का स्टॉक सॉल्यूशन बना देते हैं ओके थाउजेंड पी का स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या होगा उसी में से फर्दर डाइल्यूशन करके अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पी के सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पर अपन ने क्या किया तो एक जनरल प्रैक्टिस ये रहती है कि सबसे पहले मैंने हंड्रेड एम लिया सर हंड्रेड एम को मैंने हंड्रेड एम ऑफ वाटर में डाल दिया जिससे कि मेरा थाउजेंड पी का सॉल्यूशन बन गया अगर मैं कैलकुलेशन एंड फार्मूले के हिसाब से चलूं, तो भी मेरा सॉल्यूशन जो है वो उस हिसाब से ही बनेगा जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिख रहा है ओके okay, तो अब क्या होगा आगे अपन इसको फर्दर डायलोट करके भी इसको सॉल्यूशन के हिसाब से बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा कि अगर मैं ये मतलब जनरल प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में जैसे अपन पीपीएम का सोल्यूशन बनाते हैं तो वो लोग हर बार मतलब कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाते इट्स सिंपल मैथड टू टेक 100 एम 100 हंड्रेड एम जी ऑफ एनाल एंड हंड्रेड एम ऑफ वॉटर या वॉट एवर सोल्यूशन टू मेक थाउजेंड पीपीएम सोल्यूशन सबसे पहले थाउजेंड पीपीएम का सोल्यूशन बना देते हैं उसके बाद में फर्दर जो है उसको अपन डायलूशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो कैसे होगा जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो कितना हो गया ये देखिए मैं क्रॉनिकल हिसाब से बना देता हूँ आपको ये मैंने सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाया ठीक है स्टॉक सॉल्यूशन सो so, स्टॉक सॉल्यूशन मेरा बन गया थाउजेंड पीपीएम का ओके okay, ये कैसे बना कि जो सर मेरा सैंपल था सैंपल मैंने थाउजेंड एम लिया और थाउजेंड एम एल वाटर में डाल दिया ठीक है तो उससे मेरा थाउजेंड पी का सॉल्यूशन बन गया सर ये वाला स्टॉक सॉल्यूशन अब इस स्टॉक सॉल्यूशन से मेरे को सर है ना टेन पी का सॉल्यूशन बनाना है तो मैं क्या करूँगा सर फर्दर डाइल्यूशन करूँगा डिफरेंट डिफरेंट वो कैसे कि सर मैं सबसे पहले इस स्टॉक सॉल्यूशन में से वन एम एल लूँगा और 100 ml एल वाटर में डाल दूंगा फर्दर डायल्यूशन के लिए तो फर्दर डायल्यूशन कैसे करेंगे अपन देखिए इसका 1 ml लिया मैंने तो 1 ml एल इन हंड्रेड एम तो 1 ml लेके मैं 100 ml एल ऑफ वाटर में डाल दूंगा तो ये मेरा फर्दर 10 ppm का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा इनटू किस कौन सा पार्ट स्टॉक सॉल्यूशन जो है वो अपन ने कितना बनाया थाउजेंड पी का इन टू okay ओके तो ये सॉल्यूशन अपना कितना बन जाएगा ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपके टेन ppm का सॉल्यूशन। ओके okay? तो ये सॉल्यूशन बन गया आपके टेन पीपीएम का बस इसी से इसी इसी हिसाब इसी से आपको आगे के भी सॉल्यूशन बनाने कैसे बनाने हैं? सर सीधा सा यहां से मैंने स्टॉक सॉल्यूशन से सर टू एम लिया डिवाइड इन हंड्रेड एम एल वाटर या वॉटर सोल्यूशन इन टू थाउजेंड एमएल स्टॉक सोल्यूशन जिसमें बनाया सर इससे मेरे का सेकेंड जो मेरा वॉल्यूम है वो भी मेरा तैयार हो गया 20 पी का सॉल्यूशन इसी हिसाब से मैं तीन एम लेके 100 में करूँगा तो मेरा 30 पी का सॉल्यूशन बन जाएगा फोर एम एल ले कर थाउजेंड करूँगा तो मेरा फोर्टी पी पी एम का सॉल्यूशन बन जाएगा और फाइव एम एल ले कर थाउजेंड हंड्रेड इंटू थाउजेंड करूँगा तो सर मेरा फिफ्टी पी पी एम का सॉल्यूशन बन जाएगा ओके okay, तो ये जनरली जो अपन देखें हैं, तो ईजी इजी मेथड है एज़ पर द इंडस्ट्री प्रोग्राम के अपन देखें तो वो लोग क्या करते हैं सीधा सा किसी भी सॉल्यूशन सैंपल है तो हंड्रेड एम जी एटलीस्ट इसलिए लेते हैं अगर इससे भी माइनर है तो इसी हिसाब से आगे फर्दर मेथड लगवाते हैं बट मिनिमम हंड्रेड एम इसलिए लेते हैं ताकि अगर सैम्पल अगना जितना कम क्वांटिटी वेट में होगा तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा है तो एटलीस्ट हंड्रेड एम जो है अपन वेट कर लेते हैं इजी टू वेट है ये उसको फिर अपन थाउजेंड हंड्रेड एम एल वाटर में डाल के थाउजेंड पी पी एम का पहले स्टॉक सॉल्यूशन बना देते हैं और उसके बाद फर्दर अपन उसको डायल्यूशन कर देते हैं ओके होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा और इसी के रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जैसे कि मेरा एक और वीडियो जो है वो स्पेशली जो है टेन पी पी एम के मैंने टेन पी पी एम का सॉल्यूशन कैसे बनाना है उसमें बनाया हुआ है मैंने ठीक है तो उसमें आप देख सकते हैं टेन पी का सोल्यूशन एक वीडियो मेरा पी पी फाइव पी का सोल्यूशन से भी है तो वो इसी शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने उसी को बनाया है यही ट्रिक मैंने अपनाई है उसमें एक्चुअली ये जो ट्रिक है वो एज़ पर द रेगुलेशन के हिसाब से ही चलती है एज़ पर फॉर्मूले के हिसाब से चल रही है ठीक है तो उसमें सीधा सा मैंने बताया सीधा सा कि भाई 100 एम लेके 100 एम में डालो और फिर आगे आप फर्दर उसको डाइल्यूशन कर सकते हो तो एक मेरा पूरा सेपरेट वीडियो जो है टेन पी पी एम फाइव आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो दोनों मिल जाएंगे तो उसको शॉर्ट तरीके से उस हिसाब से भी मैंने बनाए रखा है तो उसमें भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बेसिकली जो है फॉर्मूले से समझाया है कुछ लोगों को लगा कि मैंने जो सीधा सॉल्यूशन बना दिया तो शायद ये सही है या नहीं तो बिल्कुल सही है ये इंडस्ट्री का तरीका है इंडस्ट्री में ऐसे ही सोल्यूशन बनाते हैं ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो थैंक यू